सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने महाकौशल क्षेत्र के कृषि गौरव संस्थान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रांगण में। आज दिनांक 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार को हम इस गरिमामय आयोजन में सम्मिलित हैं। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में फसल संगोष्ठी क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया है। प्रदेश ही नहीं, यहाँ संस्कारधानी महाकौशल अंचल के हमारे कई कृषक यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी कार्यकुशलता का परचम वो सभी जगह लहरा रहे हैं। वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और कृषि वैज्ञानिक भी हमारे यहाँ पर साथ हैं, जो अथक प्रयासों से केवीके को नई ऊंचाइयाँ दे रहे हैं। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुनील विश्वकर्मा। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप सब किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो कि आपको एक एक सवाल के जो आपको ऐसी बारीकियाँ देंगे जिसके माध्यम से आप अपने कृषि के व्यवसाय को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनका सपना है स्वर्णिम भारत का। लगातार आगे बढ़ाने के लिए भारत को तमाम प्रयास चल रहे हैं, लेकिन गांव की बात करें तो हिंदुस्तान की जान गांव में बसती है और गांव को आगे बढ़ाता है अर्थव्यवस्था का पहिया, जिसे हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई बड़ी मेहनत से चलाते हैं। बिल्कुल सुनील जी, और आज हमारे साथ हमारे कृषक भाइयों के साथ, हमारी कृषक बहनों के साथ साथ हमारे यहाँ पर हमारे वरिष्ठ अतिथि हमारे साथ आए। मैं उनका एक परिचय आप सबके साथ करना चाहूँगी साझा। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ अतिथि प्रोफेसर पी के मिश्रा जी हैं, जो कुलपति हैं जवाहरलाल कृषि नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में। साथ ही हैं डॉक्टर जे एस मिश्रा जी, निदेशक खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। श्री प्रदीप पटले जी हैं, उप महानिदेशक आकाशवाणी जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। साथ ही हमारे साथ हैं यहाँ पर डी पी मिश्रा जी हैं, डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विस जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, आप सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर ए के सिंह जी मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं आप, सॉइल साइंस कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर। हमारे साथ डॉक्टर पी के गुप्ता जी भी हैं, साइंटिस्ट हैं आप, कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर से। डॉक्टर बी एस द्विवेदी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, आप भी वैज्ञानिक हैं, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर। साथ ही साथ डॉक्टर डी के सिंह जी, आप भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अनिल शिंदे जी और डॉक्टर नितिन सिंघई जी। जी हाँ, ये सभी हमारे साथ हैं, हम इनका ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जी, ये रहा एक छोटा सा परिचय हमारे अतिथियों का। और अब दीप प्रज्वलन कर हम विधिवत इस कार्यक्रम का हम शुरुआत करेंगे। हवा बहुत चल रही है, लेकिन फिर भी हम अपनी आशा और उम्मीदों से इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सरस्वती माता के सामने पुष्प अर्पित करेंगे और हमारे सभी जो अतिथि हैं हम उनसे सनम्र आग्रह करते हैं कि वे इस प्रक्रिया को हमारे आ जाए। मैं इस चाहूँगी कि मैं प्रोफेसर बी के मिश्रा जी, कुलपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉक्टर जे एस मिश्रा जी, निदेशक खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री प्रदीप पटले जी, उप महानिदेशक आकाशवाणी जबलपुर मध्य प्रदेश, निवेदन करूँगी श्री जयंत श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश। ज्योति एक ऐसी चीज़ जिसने हम अग्नि, जिसने हमें जीना सिखाया, हमें जीवन सिखाया। जोरदार तालियों से हम माँ सरस्वती का आवाहन करेंगे, अग्नि देवता को हम प्रणाम करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सरस्वती माता को हम वंदन करते हैं। ओम शुक्लाम बरवचर परमाम अद्याम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारिणीम भयदाम जाडंधकार आभम। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करेंगे। माँ सरस्वती को सबसे पहले हमने यहाँ पर वंदना की और एक एक करके हमारे सभी अतिथि मंच पर जो मौजूद हैं दीप प्रज्वलन करते हुए, सभी हमारे किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस फसल संगोष्ठी कार्यक्रम का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें हम तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब आज हासिल कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा ये मुख्य कार्यक्रम जो दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज एक क्रॉप सेमिनार में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि। दीप प्रज्वलन के बाद स्वागत क्रम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। संक्षिप्त स्वागत क्रम में हम सर्वप्रथम निवेदन करते हैं आदरणीय श्री जयंत श्रीवास्तव जी से, कार्यक्रम प्रमुख DTMP, कि वे माननीय कुलपति जी श्री जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय श्री जी PK मिश्रा जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। जोरदार तालियों से आप सभी भी सम्मिलित होंगे इस स्वागत, वंदन, अभिनंदन कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय श्री प्रदीप पटले जी से हमारा निवेदन है कि माननीय श्री DP श्री जे एस मिश्रा जी, निदेशक खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर जी का स्वागत करें, तालियों से स्वागत करेंगे। श्री आदरणीय श्री दिनेश नामदेव जी से निवेदन है कि वे माननीय श्री DP शर्मा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। डायरेक्टर कृषि विस्तार सेवाएं, जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। आदरणीय श्री जयंत श्रीवास्तव जी से ही निवेदन करती हूँ कि श्रीमती डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, इनका भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये प्यार और एक उपहार पुष्प के रूप में हम इन्हें समर्पित करते हैं। और अश्वनी श्रीवास्तव जी से हमारा निवेदन है कि वे कृपया कर मंच पर आएँ और हमारे सभी माननीय अतिथियों को पुष्प देकर उनका स्वागत करें, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे अतिथियों का कि वे स्वागत करते चलें। साथ ही हैं हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर DP शर्मा जी हैं, डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी हैं, डॉक्टर A K सिंह जी हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी सिंह हैं, डॉक्टर PK गुप्ता जी हैं, डॉक्टर BS द्विवेदी जी, डॉक्टर DK सिंह, डॉक्टर अनिल शिंदे जी, डॉक्टर नितिन सिंघई जी हैं हमारे साथ में। ये सभी हमारे साथ आज यहाँ इस कार्यक्रम में, इस गरिमामय कार्यक्रम में साथ में हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, आपकी जिज्ञासाओं के समाधान करेंगे। आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है। अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। स्वागत का क्रम हम यहीं पर विराम करते हैं और अब हम चाहेंगे कि हमारे स्वागत उद्बोधन के लिए और आत्मीय उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रथम माननीय प्रोफेसर PK मिश्रा जी को। आप कुलपति हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में, आपका सादर आमंत्रण। और मैं चाहूँगी सुनील, आप हमारे सर को माइक दीजिए। ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत। दूरदर्शन के द्वारा आयोजित ये किसानों की संगोष्ठी में मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, विशेष रूप से डॉक्टर JS मिश्रा साहब जो डायरेक्टर हैं वीट साइंस संस्थान के, कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिकगण, कृषि विज्ञान केंद्र की हेड और उसकी प्रभारी सीनियर साइंटिस्ट रश्मि शुक्ला जी और इंजीनियरिंग सेंटर से आए हुए डॉक्टर राणा जी और हमारे IPRO और सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की वो पूरी टीम जो भोपाल से चलकर यहाँ पर आई है दूरदर्शन की, उसका भी इस प्रांगण में मैं अभिनंदन करता हूँ। इस प्रांगण में उस इस गोष्ठी में उपस्थित सभी किसान भाई, किसाई बहनों और जितने भी लोग सब उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, उन सबका अभिनंदन करते हैं। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी एक विशेष कार्यक्रम को आयोजित कर उसे सभी पूरे प्रदेश के सभी कोने कोने तक आपकी आवाज़ को आपके माध्यम से किसान भाइयों के, सभी किसान तो नहीं आ सकते लेकिन आप बाकी के किसानों की भी आवाज़ हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, मतलब उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भले ही आप अभी जबलपुर या इसके नज़दीक के क्षेत्र में हैं। तो आपके जो भी जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगी, वो निश्चित रूप से दूसरे किसान जो आपके नहीं उपस्थित हैं और देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। और आपने ये आयोजन किया, अभी मौसम भी साथ दे रहा है, सूर्य भी निकल आया है, तो सभी का पुनः अभिनंदन करते हैं और संगोष्ठी को कृपया आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपके इन आशीर्वचनों के लिए। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री JS मिश्रा जी को, निदेशक खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर मध्य प्रदेश, कि वे अपना दो शब्द कहें। परम सम्मानित कुलपति महोदय डॉक्टर PK मिश्रा साहब, सम्मानित मंच, दूरदर्शन भोपाल से आए हुए सभी पदाधिकारी और जबलपुर अंचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी कृषक भाई, बंधुओं, बहनें, निश्चित तौर पर ये दूरदर्शन भोपाल एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की एक अनूठी पहल है जिसमें कृषक बंधु और हमारे साथी वैज्ञानिक एक साथ आपस में चर्चा करेंगे और फसल उत्पादन तथा कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का निदान एक मंच से आपको मिल सकेगा। और इस माध्यम से न केवल जबलपुर, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि दूरदर्शन ऐसा मंच है कि जो पूरे देश में किसान, DD किसान के माध्यम से जो भी परिचर्चा यहाँ होगी उसका पूरा लाभ देश के सभी किसानों को प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर इस पहल के लिए मैं दूरदर्शन भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और सभी किसान भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और उम्मीद है कि ये पहल बहुत सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आत्मीय उद्बोधन के लिए। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर DP शर्मा जी, डायरेक्टर कृषि विस्तार सेवाएं JNKVB जबलपुर मध्य प्रदेश, कि वे अपना उद्बोधन दें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कुलपति डॉक्टर PK मिश्रा साहब, डायरेक्टर JS मिश्रा साहब, खरपतवार अनुसंधान, हमारे मंचासीन साथी दूरदर्शन से पधारे DDG साहब और डायरेक्टर साहब और समस्त दूरदर्शन से पधारे साथीगण, हमारे समक्ष उपस्थित हमारे अन्नदाता कृषकगण, पुरुष महिलाएं, इफ़को का भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको लगाया है। साथ ही साथ आकाशवाणी से पधारे पैकरा जी, आप सबको इस संगोष्ठी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में इस संगोष्ठी का आयोजन दूरदर्शन के और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है। निश्चित रूप से दूरदर्शन के माध्यम से जो किसानों की महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में जो बहुआयामी रिसर्च के परिणाम हैं, उन सब बातों से किसानों को रूबरू कराया जाता है। साथ ही साथ जो चीज़ें आपकी क्लाइमेट को सूट करती हो सकता है दूसरी जगह के क्लाइमेट को ना सूट करती, क्योंकि हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं सॉइल का प्रकार इतना प्रकार है कि जितने लगता है कि जैसे म्यूज़ियम हो। इसलिए माइक्रो लेवल पे टेक्नोलॉजीज़ किसानों को दी जाती है और नई नई जो चीज़ें हैं, किस्में हैं, कीड़े हैं, बायोफर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल फार्मिंग के लिए जो प्राकृतिक खेती के लिए जो आयाम है, उन सबको किसानों को संगोष्ठी के माध्यम से समझाया जाता है। जो ये संगोष्ठी हमारे दूरदर्शन के साथी लोग कर रहे हैं, यह हमारे जबलपुर ज़िले की नहीं अपितु प्रदेश, देश, सभी जगह ये चीज़ें ट्रांसमिट होंगी। और किसानों के उत्थान के लिए दूरदर्शन ने जो ये कदम उठाए हैं, ये बहुआयामी होंगे और हमारे किसान भाई लाभान्वित होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ संगोष्ठी का समय हो रहा है। मैं आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही साथ दूरदर्शन के साथियों को ये भी कहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाना चाहिए, कम से कम 6-6 महीने में 2 बार तो होना चाहिए। आप सबको आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर DP शर्मा जी। इसी तरह एक छोटा सा प्रयास हमने किया इस फसल संगोष्ठी की तरह और आप सबके साथ आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। अपना काम जारी रखेंगे और यहाँ पर एक उद्बोधन का क्रम को हम थोड़ा सा विराम करते हुए हमारे सफल किसान जो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रगतिशील किसान आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से वो इबारत लिखी है जिसको आज तक कोई छू नहीं पाया, तो उनको सम्मान देने का, उन्हें प्रशस्ति पत्र देने का एक छोटा सा क्रम हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ में हैं, हम इनके माध्यम से उनको दिलवाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री प्रदीप पटले जी से भी, श्री दिनेश नामदेव जी से और श्री जयंत श्रीवास्तव जी से भी आग्रह है कि वे कृपया कर मंच पर आएँ, प्रशस्ति पत्र प्रदान करने में हमारा सहयोग करें और हमारे विशिष्ट अतिथि साथ में ही होंगे। सबसे पहले श्री गेंदालाल कुशवाहा जी को प्रशस्ति पत्र देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ग्राम केवलारी विकासखंड पनागर से आप हैं और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में और आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इन्हें फूल माला पहनाकर, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर हम इनका स्वागत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर, दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में ये फसल संगोष्ठी का आयोजन। आज आपके यशस्वी जीवन की कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई इस प्रशस्ति पत्र के लिए। अब मैं द्वितीय नाम आमंत्रित करती हूँ श्री मनोज कुमार चौबे, ग्राम मोहतरा विकासखंड सेहोरा से आप यहाँ पर आए हुए हैं। कृषि वानिकी खेती पद्धति अपनाकर आपने कृषिगत आय में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। कृषकों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के JNKVB और दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आपको ये प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री मनोज कुमार चौबे, ग्राम महतरा विकासखंड सेहोरा से आप आए हुए हैं और कृषि वानिकी खेती पद्धति अपनाकर आपने कृषिगत आय में वृद्धि प्राप्त की है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। बिल्कुल हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में साथी हैं और नए किसानों को ये प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें शॉल, उन्हें प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो देकर हम सम्मानित करते हैं। ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपने कृषि व्यवसाय को वे एक प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं दूसरों के लिए। अगली पंक्ति में मैं बुलाना चाहूँगी, आमंत्रण है श्री राम सिंह जी का, ग्राम पिपरिया कला विकास खंड शहपुरा जबलपुर से हैं और इन्होंने समेकित फसल प्रबंधन तकनीकी अपनाकर कृषिगत आय में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। अन्य कृषकों के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर, दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से श्री राम सिंह जी को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र का सम्मानित करते हैं। युवा किसान हैं, इन्हें पुष्पहार देकर और साथ ही इन्हें प्रशस्ति पत्र भी देते हैं। जी हाँ, शॉल के माध्यम से भी हम इन्हें सम्मानित करते हैं। अपने कामों के लिए उत्कृष्ट प्रशस्ति मिले तो इससे हमारी ऊर्जा और बढ़ती है, हमें काम करने के लिए एक जीवटता मिलती है और इनके किए गए कार्य अन्य कृषकों के लिए एक बेहद बड़ा प्रेरणा होती है, मशाल होते हैं जो दूसरों को भी दिखाते हैं एक रोशनी। श्री राम सिंह, ग्राम पिपरिया कला विकासखंड शहपुरा जबलपुर से हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विनय सिंह जी को, ग्राम फुलर विकासखंड शहपुरा, और इन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषिगत आय में उत्तरोत्तर वृद्धि की है और ये भी कृषकों के लिए बेहद प्रेरणा स्रोत है। कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर और साथ ही दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल श्री सिंह को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित करता है। तालियां बजनी चाहिए भाई, आपकी भी बारी आएगी तो तालियां बजाएंगे। ये बहुत बहुत अपनों के बीच ये उत्साह और प्रेरणा पाकर हम प्रफुल्लित होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथ ऐसे उन्नतशील कृषक हैं जो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का बहुत बड़ा पुंज बने हुए हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनय सिंह जी। आमंत्रण करती हूँ श्री रामपल झारिया जी, ग्राम बड़खेरा विकासखंड कुंडम जबलपुर ने कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के मार्गदर्शन में समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर कृषिगत आय में उत्तरोत्तर वृद्धि की है और ये कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आपको उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पुष्पहार, शॉल और प्रशस्ति पत्र देते हुए डॉक्टर रश्मि शुक्ला हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर से। जयंत श्रीवास्तव जी हैं, कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल। साथी हैं डॉक्टर DP शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं JNKVV जबलपुर और साथ ही हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। बहुत बहुत बधाई श्री विनय सिंह जी। ब्रजेश नवेरिया जी को आमंत्रित करती हूँ, ग्राम जमुनिया विकासखंड जबलपुर, कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के मार्गदर्शन में उन्नत तिलहन उत्पादन सरसों में इन्होंने कृषिगत आय में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। जोरदार तालियां आपके लिए। आप एक युवा किसान जो आप आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, प्रशस्ति पत्र देते हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, हमारे मुख्य अतिथि, शॉल देते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि, प्रशस्ति पत्र और छाया चित्र साथ में लेते हुए हमारे युवा किसान। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद श्री ब्रजेश जी, बहुत बहुत आप सभी को बधाई। इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले किसान भाइयों को। और अब एक क्रम हम करेंगे कि हमारे जो भी हमारे वरिष्ठ अतिथि हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगी कि 3-3 मिनट का संक्षिप्त आप एक उद्बोधन हमारे कृषकों के लिए रखें ताकि आपकी बात वो सुन सकें। संक्षिप्त परिचय के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रण करना चाहती हूँ। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल शिंदे, सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर। देखिए, आप अपन जो बात कर रहे हैं अभी, जो आज का विषय है कृषि संगोष्ठी का और मेरा जो विषय है वैज्ञानिक विधि से पशुपालन, मैं आप यहाँ सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, खेती तो आप लोग कर ही रहे हैं पर खेती के साथ साथ एक सहायक व्यवसाय की अगर बात करें तो हमको खेती के साथ साथ पशुपालन करना भी आवश्यक है। और अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो गाय पालन है, भैंस पालन है, बकरी पालन है, सूअर पालन है, बतख पालन, मुर्गी पालन, इन सबको हम साथ में लेके चलते हैं। अगर हम इस व्यवसाय की बात करें तो हमको 4-5 चीज़ों का मुख्यतः ध्यान रखना पड़ता है जिसका वैज्ञानिक तरीके से हम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कि उच्चतम नस्ल का चयन। हम कोई भी पशुपालन कर रहे हैं तो हमको ध्यान देना है कि हम इसमें अच्छी नस्ल का चयन करें। उसके बाद में उसकी आवास व्यवस्था है कि कि जो उसको आवास व्यवस्था दे रहे हैं कि धूप से बचाव करे, बारिश से बचाव करे, अगर सर्दियों में है तो ठंड से बचाव करे, इसका ध्यान हमको देना चाहिए। साथ में सबसे महत्वपूर्ण कि जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा आता है वो है उनकी आहार व्यवस्था। पशुओं के 60 से 70% जो खर्चा है उनकी आहार व्यवस्था पे आता है। अगर हम इस खर्चे को कम कर सके तो निश्चित रूप से हम इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसको एक अपना आय का धंधा बना सकते हैं। इसके बाद में है प्रजनन व्यवस्था और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है स्वास्थ्य प्रबंधन, कि उपचार से भला है बचाव। हम सब जानते हैं कि उपचार से भला है बचाव, इसके लिए हमको पशुओं का टीकाकरण करना आवश्यक होता है। तो इन 5 चीज़ों का हम किसान भाई अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही रूप से अपना जो पशुपालन है ये फायदे का सौदा रहेगा और अपनी आय जो अपने प्रधानमंत्री जी के जो बात है कि हमको अपनी आय बढ़ानी है तो निश्चित अपनी आय दोगुनी करने में ये सफल साबित होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं हमारे अगले अतिथि से निवेदन करूंगी कि वे 2 शब्द कहें। मंचासीन माननीय कुलपति डॉक्टर पी के मिश्रा साहब, DWR के डायरेक्टर मिश्रा साहब, वैज्ञानिक गण, दूरदर्शन टीम से आए सभी मेंबर्स, मेरे सम्मुख बैठे सभी किसान बंधु, ये कृषक संगोष्ठी एक उत्तम आयोजन है। अभी रबी की फसल चल रही है और रबी की फसल कटने के तुरंत बाद समय आएगा मृदा परीक्षण का। चूँकि पूरी खेती का दारोमदार मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर खेती आधारित है, उस पे पाए जाने वाले पोषक तत्व ही पौधे का पोषण करते हैं, उसको आधार देते हैं। पौधा अपनी आवश्यकता अनुसार उनका दोहन करता है। तो हमें ये जरूरी है कि जैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, अपना परीक्षण समय समय पर चिकित्सक से करवाते हैं, ठीक वैसे ही हमारा परिवार, हमारा देश जिस मिट्टी पर आधारित है, आपकी पूरी कृषि आधारित है, उसके स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें। ठीक उसी तरह हमें भी इसमें आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं मिट्टी परीक्षण के कुछ मुख्य पहलुओं को छूऊंगा। परीक्षण के लिए 3 चरणों में मिट्टी का परीक्षण होता है। सबसे पहला होता है कि मिट्टी के नमूनों का एकत्रीकरण करें, दूसरा एकत्रित नमूनों का परीक्षण, और तीसरा जो परीक्षित नमूने हैं उनकी उर्वरक सिफारिश। जो सबसे प्रथम चरण है जिसमें मृदा का एकत्रीकरण करना, नमूनों का एकत्रीकरण करना है, वो सबसे प्रमुख और अहम है। चूँकि अगर पहला चरण ही गड़बड़ हो गया तो बाकी के दोनों चरण डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हमें नमूना लेने के लिए ध्यान देना है कि उसमें बहुत ही सावधानी रहे। नमूना लेने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले खेत का चयन करें। खेत के चयन के आधार बिंदु हैं ढाल, मृदा का ढाल, खेत का ढाल, आपका मिट्टी का रंग और फसल पद्धति। ये 3 मुख्य आधार के आधार पर आप मिट्टी जहाँ से आपको इकट्ठी करनी है उस खेत का चयन करेंगे। जब खेत चयनित हो गया तो अब उस खेत में कितने गड्ढे बनाने हैं ये बात आती है। चूँकि मिट्टी में बहुत हेट्रोजिनिटी होती है, समानता नहीं, बहुत विषमानता होती है। इसलिए नंबर ऑफ गड्ढों का जो संख्या है वो अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अति उत्तम रहेगा, और कम से कम 10 गड्ढे कर लें बहुत उत्तम रहेगा। अब बात आती है कि गड्ढों का स्थान का चयन कैसे करें। उसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर गड्ढों के चयन में कहीं मेड़ आ रही है पूरे खेत में तो मेड़ से थोड़ा शिफ्ट कर लेना है, हटा लेना है गड्ढे को। कहीं पेड़ की छाया आ रही है, उस पर गड्ढा आ रहा है तो उसको हटा लेना है। हमारा फार्म हाउस होता है उसमें खाद का गड्ढा होता है, उसके आसपास अगर एरिया आता है तो उसको भी शिफ्ट करना। इरिगेशन चैनल यानी सिंचाई की नाली अगर आती है हमारे गड्ढे के आसपास खेत के तो उसको भी शिफ्ट करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेत में कितने गड्ढे बनाने हैं इनको आधारभूत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम स्थान चयनित कर लेते हैं। अब हमारा खेत चयन, स्थान चयन हो गया, अब हमें गड्ढा खोदना है। तो गड्ढा खोदने के लिए सबसे पहले ऊपर की जो सतह है उसको साफ कर ले ताकि हमारा फसल अवशेष मिट्टी के नमूने के साथ न जाए। क्योंकि पौधे में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी सांद्रता ज़्यादा होती है और मिट्टी में कम होती है। अगर दोनों का सम्मिश्रण हो गया तो परीक्षण में त्रुटि आएगी। तो हम साफ कर लेते हैं सतह को। साफ करने के बाद तब बात आती है कि गड्ढे का आकार कैसा रखें और गहराई कितनी रखें। जो आकार होता है वो हम वी नोच कहते हैं। वी नोच यानी ऐसा आकार। अब इस आकार में इसलिए कहते हैं कि मैथमेटिकली गणित के ढंग से ऐसे आकार को अगर खोदेंगे तो श्रम और समय कम लगेगा। बाकी आप गड्ढा किसी भी आकार का कर सकते हैं। इस तरह से अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आई हुई रिपोर्ट को अपने अंगीकृत करके करेंगे काम तो निश्चित आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिंदे जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मैं पुनः आग्रह करती हूँ हमारे वरिष्ठ डॉक्टर पी के गुप्ता जी को और सम्मानीय हमारे कुलपति प्रोफेसर पी के मिश्रा सर, संचालक विस्तार सेवाएं डॉक्टर दिनकर प्रसाद शर्मा सर, संचालक खरपतवार अनुसंधान निदेशालय डॉक्टर जे एस मिश्रा सर, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता, आप सभी किसान बंधुओं का जो है यहाँ पे इस मंच में डीडी जो हमारे मध्य प्रदेश दूरदर्शन द्वारा आयोजित किया गया है सभी का जो स्वागत करता हूँ। और अभी मैं प्रमोद कुमार गुप्ता पौध संरक्षण का वैज्ञानिक हूँ। अभी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या आ रही है खेती में वो है रेसिस्टेंट डेवलप होने की। जो है रेसिस्टेंट डेवलप होने की कोई भी दवाई आप ले जाते हैं वो जो है हानिकारक, मतलब फ़ायदा नहीं देती, चाहे विल्ट में हो चाहे स्मट में हो, कोई भी हो। आपका जो है अभी जो है आपकी फसल में अगर कीड़ा लग जाता है, दवाई डालते हैं तो नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं करती, पैसा भी बच जाता है। अभी जो है सबसे बड़ी बात आई है प्राकृतिक खेती की, आई है जैविक खेती की। तो आप लोग घर में बीजामृत, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र का उपयोग सबसे ज़्यादा करें हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से। जैसे यहाँ पे 26 ज़िलों से ये हमारे डायरेक्टर संपादित, सब जगह हम लोगों ने जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए बताया है। और जो जैविक हमारे जो तत्व हैं जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, पीएसबी कल्चर हो गया, राइजोबियम हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, इवन जो हमारे किसानों के यहाँ जो वाइट फ्लाई आती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, कुकुड़ जाती हैं, जो भी खूब सारी दवाइयाँ मत डालिए। आप सिर्फ खेतों में जहाँ टमाटर लगाओ, भटा लगाओ, मिर्ची लगाओ, पीले रंग के जो पेपर आते हैं उसमें ग्रीस लगा के आप छोड़ दीजिए, वहाँ पे लगा दीजिए। एक एकड़ प्रति 20 से 25 सिर्फ जो लेप लगा के, जितने भी मेल फीमेल होंगे उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगी और ना कोई दवाई डालनी पड़ेगी, फ्री की दवाई है, पर किसान कोई यूज़ नहीं करता है। मैक्सिमम जो बाज़ार में जाते हैं दवाइयाँ लाते हैं, डोज से ज़्यादा डालते हैं। अगर कोई भी दवाई है 5 ml प्रति पंप है, किसान 50 ml 20 ml डालता है, जिससे क्या होता है रेसिस्टेंट डेवलप होता है। तो आप ऐसी चीज़ें ना करें। जो अपनी देसी दवाइयाँ हैं, जीवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र जो भी है, इनका उपयोग करके जो है, और हमारे पास जैविक कीटनाशी भी है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, ब्यूवेरिया बैसेयाना है, मेटराइजियम एनोसोप्लाई है, ये चीज़ें हमारे यहाँ से लेकर जाइए, ट्राइको वगैरह वगैरह, और लाभ का खेती को लाभ का धंधा पकाइए, बगैर फालतू का पैसा वेस्ट मत करिए आप केमिकल दवाइयों में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर गुप्ता जी। अब मैं हमारे अगले अतिथि को हम सम्मानीय मंच बोलेंगे। प्रोफेसर पी के मिश्रा साहब, आदरणीय शर्मा साहब, हमारे सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, यहाँ पर हमारे जौलपुर जिले से आए हुए श्री रजनीत दुबे जी, उनके साथ आए हुए हमारे जौलपुर जिले के सभी समस्त कृषक और माताएँ बहनें तथा आकाशवाणी साहब हमारे पैकरा साहब और दूरदर्शन टीम को बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर कुछ कृषि यंत्रीकरण संबंध में जो विभाग के द्वारा हमारे कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, उसमें से बहुत सी योजनाएँ तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जिनमें हमारे काफ़ी किसान जो बहुत अधिक किसान उससे परिचित होंगे, पर पुनः मैं एक बार यहाँ पर उन योजनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे यहाँ यह कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में आजकल जो विशेष ध्यान दिया रहा है कि कैसे कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से रोजगार का अवसर हमारे युवा कृषक बंधुओं के लिए पैदा किए जाएं। इसी को लेके जो है, जैसा आप सभी को मालूम है कि बिना किसी यंत्रीकरण के आजकल खेती किसानी संभव नहीं है, और समय पे खेती करना, उसको कम लागत पे अधिक उत्पादन प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का मुकाबला केवल और केवल हम कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से ही कर सकते हैं। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश में आजकल कृषि यंत्रीकरण की जो योजनाएं आ रही हैं उसमें प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी नंबर 1 हैं। उसी कारण आज जो है हमारा मध्य प्रदेश कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में नंबर 1 की स्थिति पे है। उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत योगदान है, विशेषकर हमारे युवा कृषक। यहाँ पर हमारे मनोज दुबे साहब भी हैं, उनसे भी मेरा परिचय है। यहाँ पर हमारे सिंह साहब भी हैं जो जैविक कृषि में बहुत काम कर रहे हैं। मनोज दुबे जी का मैंने देखा कि इन्होंने भी जो है कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया और अपने गांव के बहुत से लोगों को भी आपने जो है प्रेरित किया है कि कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में काम करें। आपको याद होगा कि आपके गाँव को हम लोगों ने दूध भी लिया था और वहाँ पर हमने काम भी किया था। किसानों को जो कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में हम कस्टम हायरिंग योजना आपने सुनी होगी, बहुत लोकप्रिय योजना है। इसमें 10 से लेकर 25 लाख तक के किसान जो है हमारे युवा केंद्र लगा सकता है। उसमें शासन द्वारा 10 लाख और लगभग 40% अनुदान दिया जा रहा है। ये योजना बहुत लोकप्रिय है। साल भर में करीब करीब हम लोग 500 केंद्र पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। हमारे ज़िले के बहुत से किसानों ने यहाँ पर उसका लाभ लिया है। अभी तक जबलपुर में मैं कहना चाहूँगी कम लगभग 110 केंद्र यहाँ पर स्थापित साहब किए जा चुके जब से योजना प्रारंभ हुई है और यहाँ का हमारा युवा कृषक जो है बहुत लाभान्वित हुआ है। इसी प्रकार हमारे की एक योजना चल रही है, जैसे डीबीटी चल रही है, जिसमें कौशल विकास के डीबीटी में यह है कि आप कोई भी 1 या 2 यंत्र साल में आप उसका क्रय कर सकते हैं। उस पर भी शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और ये अनुदान सीधे जो है किसान को खाते में जा रहा है। इसमें जो हमारे जब सभी आवेदन आते हैं वो ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं, इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप यदि कोई सा यंत्र लेना चाहते हैं, जब भी हमारे ऑनलाइन आवेदन मांगाए जाते हैं, आप आवेदन करिए और अपना मनपसंद डीलर से चुनिए और उसमें अनुदान प्राप्त करिए। इसी प्रकार हमारे एक यंदू गांव योजना भी चलती है। उसमें हम लोग किसी ऐसे गाँव का चयन करते हैं जहाँ पर यंत्रीकरण बहुत कम हुआ हो और वैसे उन गांवों को हम गोल लेते हैं और वहां पर जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसमें पूरा यंत्रीकरण किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है खेत तैयारी से लेकर खेत कटाई तक और बाद में हम प्रसंस्करण को और भी ध्यान देते हैं कि उसमें कैसे यंत्रीकरण को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह सर आपका। आपने बहुत अच्छी योजना की जानकारी दी ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो और जो हमारे बेरोजगार हमारे युवा हैं वो अपने लिए एक रोज़गार ढूंढ सकते हैं। निवेदन यही है कि यहाँ पर मंच पर पधारे डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी जो कि साइंटिस्ट हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर से। साहब का स्वागत करेंगे श्री जयंत श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम प्रमुख, दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल से। इनका स्वागत करें पुष्प देकर। थोड़ा सा विलंब हो गया और ये क्रम हमें करना ज़रूरी है। हमारे अतिथि हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। ज़ोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं उनका। और जी अगले क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम अब आमंत्रित करेंगे डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी को। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर हैं। मंच पर उपस्थित सम्मानीय कुलपति जी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर पी के मिश्रा जी, संचालक विस्तार सेवाएं डॉक्टर दिनकर प्रसाद शर्मा जी, डायरेक्टर खरपतवार अनुसंधान केंद्र मिश्रा जी और समस्त वैज्ञानिक गण, हमारे कृषक बंधु और बहनें। जैसा कि फसल संगोष्ठी दूरदर्शन केंद्र भोपाल के द्वारा आयोजित की गई है, बहुत ही सराहनीय और अच्छा प्रयास है। जितने हमारे समक्ष कृषक बंधु और बहनें बैठे हैं, ये पूरे देश में एक संदेश लेकर के जाएंगे कि हम जो फसल संगोष्ठी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और दूरदर्शन केंद्र के तत्वाधान में सम्मिलित आयोजन किया गया है, वो निश्चित ही एक सफलता का प्रतीक होगी। और ये जो सूचना और जो प्रसार होगा वो हमारे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है। एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं कृषक बंधु और बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, खेती के साथ साथ यदि हम प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी अपना कार्य करें और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी हमारे बीच में उपलब्ध हैं जिनका फ़ायदा उठाते हुए हम खेती के साथ साथ प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी बहुत सारी अपनी इकाइयाँ लगाएं, जिससे कि जो हमारी फसल जब आती है बहुतायत में और वो वेस्ट होती है और किसान को उसका दाम सही नहीं मिल पाता है, तो हम उसका प्रसंस्करण करके एक ऐसा ही मूल्य संवर्धन का क्षेत्र है जिसमें कि कृषक बंधु जो हैं और बहनें अच्छा कार्य कर सकती हैं और उसका जो डबल इनकम और ट्रिपल इनकम और 4 गुने तक इसका हमको मूल्य संवर्धन से लाभ हो सकता है। जो भी हमारे उत्पाद होते हैं उनका प्रसंस्करण करके, जैसे कि टमाटर हैं या जो भी सब्जियां और फल हैं उनका कि हम प्रसंस्करण कर लें, उनका कैचअप बना लें, मार्केट में बहुत अच्छा बिकेगा। जो भी उत्पाद हैं उनका प्रसंस्करण करेंगे तो निश्चित ही ये बहुत ही किसान भाइयों के लिए एक अच्छा फ़ायदा और इनकम का साधन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम आपका। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर ए के सिंह सर, आप आइए और 2 शब्द का उद्बोधन दीजिए। सम्मानीय कुलपति महोदय प्रोफेसर पी के मिश्रा साहब, सम्मानीय संचालक खरपतवार अनुसंधान निदेशालय डॉक्टर जे एस मिश्रा साहब, संचालक विस्तार सेवाएं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर डॉक्टर डी पी शर्मा साहब, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख रश्मि शुक्ला मैडम, हमारे सभी विशेषज्ञ और किसान भाइयों, मृदा में जीवांश कार्बन मृदा स्वास्थ्य के लिए और फसलोत्पादन के लिए क्यों जरूरी है, उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि जीवांश कार्बन का जो इसकी जो भूमिका है वो क्या है। जीवांश कार्बन मिट्टी की आत्मा है, मिट्टी का हृदय है। यदि हम जीवांश कार्बन को उसके स्तर को सही बनाए रखने में अपना प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों दशाएं सुदृढ़ होंगी। जीवांश कार्बन जब हमारी मिट्टी में बढ़ता है तो मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीव उनकी संख्या बढ़ती है, और जब सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है तो मिट्टी में पोषक तत्व खनिज अवस्था में आते हैं, और खनिज अवस्था में जब पोषक तत्व परिवर्तित होते हैं तो वो हमारी फसलों को प्राप्त होता है। तो जीवांश कार्बन का बहुत ही बड़ा महत्व है मिट्टी के स्वास्थ्य में और फसलोत्पादन में। आज की स्थिति में जब हमारे किसान भाई सघन खेती कर रहे हैं, दो फसलें, 3 फसलें या 4 फसलें कई क्षेत्रों में ली जा रही हैं, वहाँ पे जीवांश कार्बन का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जब आप किसी भी खेत की ज़्यादा जुताई भी करते हैं, ऐसी स्थिति में भी जीवांश कार्बन आपके खेत में कम होता है। तो जीवांश कार्बन को हमें उसके स्तर को बढ़ाना है ताकि हमारी जो फसलोत्पादन है, हमारा जो लाभ है वो प्रभावित ना हो। अगर वर्ष भर में हम 4 फसलें लेते हैं तो ऐसे खेत में जीवांश कार्बन, जो आज की स्थिति में हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में 4 फसलें ली जा रही हैं और वहाँ पे जीवांश कार्बन 0.3% के आसपास है, जो बहुत ही कम है। 0.5% से कम की श्रेणी में आता है, 0.3% से कम बहुत कम की श्रेणी में आता है, 0.5 से 0.75% मध्यम श्रेणी है, और 0.75% से अधिक की श्रेणी में आता है। तो हमारे कई किसान भाई जो सघन खेती कर रहे हैं, उन खेतों की जब हम जांच करते हैं मृदा विश्लेषण में, हम पाते हैं कि उनके खेतों में 0.3% से कम की मात्रा में कार्बन की स्थिति है। ऐसी स्थिति में मिट्टी का स्वास्थ्य कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, आपको फसलोत्पादन अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता। आप तमाम प्रकार के संसाधन उपयोग करते हैं, बावजूद इसके आपका जो उत्पादन है वो कम रहता है। कारण ये है कि जीवांश कार्बन हमारे खेत में कम है। तो जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए जो ढेर सारे उपाय हैं, जो हमारी परंपरागत खादें हैं, चाहे वो कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट है, नाडेप कंपोस्ट है, या विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक जो हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं, बाजार में भी उपलब्ध हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में गुणवत्ता युक्त उपलब्ध हैं, तो उन सारे संसाधनों का उपयोग जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवांश कार्बन को बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ हरी खाद इसका एक प्रमुख स्रोत हो सकता है, हरी खाद का उपयोग किया जा सकता है। फसल अवशेषों में जब आप आग लगाते हैं तो हमारी फसल का, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता है और जीवांश कार्बन भी कम होता है। उन अवशेषों को अगर हम खेत में मिलाएं और उनको डिकम्पोज करें, उनका अपघटन करें, उसके लिए बायोडाइजेस्टर या वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें, तो निश्चित रूप से वो जीवांश कार्बन में वृद्धि करेंगे। और जीवांश कार्बन जब हमारे खेत में बढ़ेगा तभी हम एक लाभदायक खेती की परिकल्पना कर सकेंगे। तो जीवांश कार्बन बढ़ाना, उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें ये सारे उपाय करने चाहिए। ढेर सारे हम जो हमारी खेती में लागत बढ़ाने के ढेर सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य दिनों दिन गिर रहा है। मिट्टी के स्वास्थ्य को देखते हुए जीवांश कार्बन को उत्तम स्तर में बनाए रखने के लिए आप कार्य करें तो निश्चित रूप से आप लाभदायक खेती की दिशा में बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह सर आपका। अब मैं हमारे अगले अतिथि से निवेदन करती हूँ कि वे अपना उद्बोधन दें। मंच पर आसीन हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, संचालक विस्तार सेवाएं महोदय, राष्ट्रीय खरपतवार केंद्र के संचालक महोदय, मंच पर आसीन सभी विशेषज्ञ वैज्ञानिकगण एवं मेरे अन्य दाता किसान भाइयों, मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी लोगों को राम राम प्रेषित करता हूँ। किसान भाइयों, आज की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या के ऊपर अभी डॉक्टर सिंह ने, डॉक्टर द्विवेदी जी ने प्रकाश डाला, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी को लेकर के, और दूसरी जो बात है कि हमारे फसल उत्पादन की लागत बढ़ती चली जा रही है। इन दोनों मुद्दों का यदि कहीं पर समाधान है तो वो है कि हमें फसल उत्पादन के लिए जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। जैविक खादों में पकी हुई गोबर की खाद, केंचुआ की खाद, नाडेप की खाद, जितनी मात्रा में हमको खेती के लिए आवश्यक है उतनी हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज हर किसान के पास में जानवरों की संख्या भी हर महीने हर दर प्रतिवर्ष घटती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में फसल का और मिट्टी का पोषण सुधारने के लिए जैव उर्वरक बहुत अच्छा विकल्प हैं। हम सभी किसान भाइयों को आग्रह करते हैं कि आप फसल उत्पादन में एजेटोवेक्टर, एजोस्प्रिलियम, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा विरिडी, माइकोराइजा, स्यूडोमोनास और ईएम कल्चर का उपयोग करें। इसके विषय में हमने आपको अनेक बार प्रशिक्षण भी प्रदान किया है, पर मैं आपसे चाहता हूं कि आप आगामी जो आपका ग्रीष्मकालीन फसलों का सीजन प्रारंभ होने जा रहा है उसमें आप जो भी जैव उर्वरक जो भी फसल में उपयोग करना चाहते हैं उसके संबंध में आप कृषि विज्ञान केंद्र में आए। हम आपको उसकी मात्रा और उसके उपयोग करने के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको आगामी सीजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और मैं अगले हमारे वरिष्ठ हमारे आए हुए वैज्ञानिक उनसे हम उद्बोधन करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। संक्षिप्त में अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के परम श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर पी के मिश्रा सर, संचालक विस्तार सेवाएँ डॉक्टर डी पी शर्मा सर, संचालक निदेशक DWR डॉक्टर JS मिश्रा सर, आदरणीय मंच, हमारे किसान भाइयों नमस्कार। खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाएं, भारत सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है। हमारी सामाजिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। पहले हम संयुक्त परिवार में हुआ करते थे, अब हम एकल परिवार में आ गए हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी पद्धतियां अब हमें किस खेती में ईजाद करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा खेती लाभ का धंधा हो सके। इसी परिस्थिति में FPO का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे किसान उत्पादक संगठन कहा जाता है। FPO भारत सरकार यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य रखा है पूरे देश में। इसी कड़ी में जबलपुर में 8 FPO का निर्माण हो चुका है, गठन हो चुका है और वो संचालित हैं, काम कर रही हैं। FPO के बारे में हम आपको बता दें कि इसमें 300 से लेकर के 1,000 तक सदस्य होते हैं जो इस FPO के शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि जो FPO का रजिस्ट्रेशन है यह कंपनी एक्ट के तहत होता है और सोसाइटी एक्ट के तहत होता है। तो जब कंपनी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका मतलब आप एक कंपनी के मालिक हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप FPO से जुड़े हुए हैं या FPO से जुड़ते हैं तो आप खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं, क्योंकि जो FPO हमारे पास हैं, जैसे सरकार ने एक और बढ़िया कदम उठाया, वह एक जिला एक उत्पाद। जबलपुर जिला मटर के लिए चयनित है। तो ऐसे तमाम हमारे उत्पाद हैं जिनको संगठित होकर के अगर आप FPO के माध्यम से खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय। अब मैं अगले मंच पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री प्रदीप पटले जी को कि वे कृपया कर मंच पर आएँ। आप उप महानिदेशक अभियांत्रिकी आकाशवाणी जबलपुर हैं और कृपया कर आप संबोधन दें। आदरणीय कुलपति महोदय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, सम्मानीय मंच और हमारे लिए सबसे प्रमुख आदरणीय किसान भाइयों और बहनों, मैं आपका आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से संस्कारधानी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से कृषि से जुड़े बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, जिनसे आप वाकिफ़ भी होंगे। जैसे किसान वाणी है, कृषक जगत है, चौपाल है, इन सब कार्यक्रमों को आप सुनते भी होंगे और आशा है उससे कुछ लाभ भी उठाते होंगे। हम जो है कि किसानों का मौसम की जानकारी, कृषि संबंधित समसामयिक कार्य की जानकारी, आधुनिक खेती, जैविक खेती कैसे करें, इसकी जानकारी हम बहुत सारे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देते हैं। समय समय पर कृषि योजनाएं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर दूरदर्शन एवं आकाशवाणी जागरूकता हेतु कार्य करता है। आने वाले समय में भी किसान भाइयों और बहनों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से पूरे प्रोग्रामों की जानकारी दी जाएगी। और आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसके अंतर्गत हम अपने कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से ये चाहते हैं कि किसानों की जो आपकी फील्ड में जो समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं हैं, जैसे आपकी मिट्टी के बारे में, आपके फसलों के बारे में, पशुपालन से संबंधित, तो जो आपकी समस्याएं हैं फील्ड में, अपनी खेती में जो आप खेती करते हैं, जो जो समस्याएं आती है, तो हम किसानों और वैज्ञानिकों के बीच में सेतु का कार्य करना चाहते हैं। तो आप अपनी समस्याएं बताएं और हमारे वैज्ञानिक उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन खोज करके आपको आपकी भाषा में समझाएं ताकि आप इससे लाभ ले सकें। और फिर से मतलब मैं ये हमारा प्रयास है आकाशवाणी और दूरदर्शन सबका मिलके, जिसके अंतर्गत आज एक दूरदर्शन भोपाल ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। और इसके लिए जयंत श्रीवास्तव जी और आकाशवाणी के श्री नामदेव जी बधाई के पात्र हैं और पूरा जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय जिसने ये हमको मौका दिया, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे अन्य अधिकार कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, हम उनसे चाहेंगे कि आप अपने दो शब्द हमारे किसान भाइयों के सामने रखें। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर पी के मिश्रा साहब, डायरेक्टर रिसर्च सर्विसेज, डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज डॉक्टर दिनकर शर्मा साहब, डायरेक्टर वीट साइंस और सभी सम्मानी और किसान भाइयों, अगर हम बीज की बात करें खासकर रबी फसलों की, तो मुझे लगता है कि सबसे सरल संसाधन, सरल तकनीक अगर हम इसे कहेंगे जो सीधे किसान का भला कर सकता है, तो मुझे लगता है बीज से बढ़िया कोई संसाधन है ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इस पे बीज के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। यहाँ की दो ही भारत की टेक्नोलॉजी हैं जो मॉडल बोला जाता है, या तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का मॉडल बोला जाता है या तो फिर धारवाड़ मॉडल बोला जाता है। इन दोनों मॉडल को पूरे देश ने अप्लाई किया है और सब लोग मानते हैं कि अगर इस तरह के मॉडल अगर हमारे विश्वविद्यालय में या हमारे प्रदेश में इस तरह का अगर चल जाए तो हम लोग इनके समान कम से कम इनके लाइन में आ जाएंगे। खासकर यदि देखा जाए बीज में, तो बीज में दो तरह के बीज, जो आपका प्रजनक बीज जिसे हम ब्रीडर सीड के नाम से जानते हैं और दूसरा जो फाउंडेशन सीड, ये दो अगली जो लास्ट आती है आधा, मतलब हम बोलते हैं उसको सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड जो किसान के लिए होता है, अगर ये दो बीज न रहें तो ये बीज नहीं आ सकता है। और ख़ास बात ये भी देखा जाए कि प्रजनक बीज का जो उत्पादन होता है वो उत्पादन सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय या तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए गए एजेंसीज को ही अलाउड है ये, क्योंकि सबसे पहला बीज होता है और इस बीज को बनाने का जो श्रेय भी होता है वैसे वैज्ञानिकों को जाता है जो इस पर काम करते हैं। ये हमारा विश्वविद्यालय और हमने जो वैरायटीज़ निकाली, कम से कम इस अगर पता किया जाए तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में इसका जो एरिया है, तो अपने विश्वविद्यालय द्वारा जो डेवलप की गई वैरायटी हैं उन वैरायटियों का कम से कम 40% जो एरिया है एक वैरायटी चने के द्वारा मतलब फैली हुई है। दूसरा यदि देखा जाए सोयाबीन की वैरायटी, सोयाबीन की डेवलप की हुई यहाँ की वैरायटीज़ पूरे लगभग अगर हम भारत की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 64 से लेकर 70% तक अकेली वैरायटी इस विश्वविद्यालय की है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है। तीसरे यदि हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में भी हमारा जो परसेंट है 30 से लेकर 35% अकेली विश्वविद्यालय का है ये। धान की बात करें तो धान में भी कम से कम अगर माना जाए तो कम से कम 15 से लेकर 18% तक ये कंट्रीब्यूशन इस विश्वविद्यालय का है ये। अगर कोदो कुटकी की बात किया जाए, अगर माइनर मिलेट्स की बात करें तो माइनर मिलेट्स में भी अपने दो सेंटर जो आपके टिंडोरी है, मंडला है, ये सेंटर भी हमारे ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी निकाली है रबी फसलों की, वो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। चने में अभी एक वैरायटी हम लोगों ने नई वैरायटी निकाली है JG24, जो कि कंबाइन हार्वेस्टर के लिए है, जिससे किसानों को किसी भी लेबर और लेबरों की समस्या है उनसे छुटकारा मिलेगा। ये काट सकते हैं, और इतना ही नहीं, उसका उत्पादन क्षमता भी 22 से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। दूसरी एक वैरायटी यदि हमको देखा जाए गेहूँ में, गेहूँ में सामने हमारा पूसा मतलब IRI के कोलैबोरेशन में भी हम लोगों ने एक वैरायटी निकाली है पूसा जवाहर गेहूँ 3410। ये गेहूँ भी आने वाले समय में जो हमारी यहाँ की सबसे लीडिंग वैरायटी है GW322, उसको भी माध्यमिक क्षमता ये 70 से लेकर 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर देगी है। अगर हम वेजिटेबल पी की बात करें रबी फसलों में, तो वेजिटेबल पी का भी एक बहुत बड़ा रकबा, जो हम जबलपुरी मटर के नाम से एक ब्रांड है, पूरा जिला जाना जाता है ये, वहाँ देखा जाए तो उसमें भी कम से कम 2 वैरायटीज़ इस विश्वविद्यालय नई निकालने जा रही है, जैसे जवाहर मटर 6 और जवाहर मटर 8, ये 2 मटर नई निकल रही हैं। ये अभी तक जो उनका बेस्ट है, वो बेस्ट है आपका GS10 प्राइवेट का, या तो फिर काशी नंदिनी है, या तो फिर आपका विवेकानंद पर्वती कृषि अनुसंधान की वैरायटी है, वहाँ पे ये वैरायटी उनकी 13 और 15, ये 2 वैरायटी भी बहुत पॉपुलर हो रही हैं। तो किसान भाइयों, बीज को अपनाना और कोशिश करें कि अगर क्वालिटी बीज कहीं से मिलता है, चाहे सर्टिफाइड सीड, तो एक बार 1 साल या 2 साल प्रयोग करेंगे। आप लोग कोशिश ये करें कि अपने उत्पादन कार्यक्रम में प्रजनक बीजों को यदि मिल जाए कहीं से, तो उनको लें। उनका जो उनके ऊपर जो बोरियों पर जो टैग लगा रहता है पीले कलर का होता है, पीला कलर यदि कहीं लगा हुआ है और संस्थान का मतलब नाम है और वहाँ साइज सील लगा हुआ है, तो एकदम सीधे उस बीज को उठा लेना है, क्योंकि ये बीज आप 3 साल तक मिनिमम लगाएंगे, और ये 3 साल तक कम से कम आप लगाएंगे, तो इतना मान के चलें कि उत्पादन लेवल करीब आपका 18% नॉर्मल बोला जाता है, 18% नॉर्मल वैरायटियों के कंपेयर में ज़्यादा उत्पादन मिलता है ये। और 3 साल तक बोला जाता है कि एक बार यदि आपने प्रजनक बीज लिया, तो उससे पहले साल 18% रहेगा उत्पादन, उसके बाद सीधे 12%, फिर 5%, ऐसे 2%, मतलब गिरता चला जाता है। इसीलिए सर्टिफाइड सीड को हम लोग बोलते हैं कि इसको भाई 1 या 2 बार के अलावा न लगाना आप, इसलिए हमेशा बीज बदलते रहें। और जितना भी है क्वालिटी सीडों में, खासकर आपको जहाँ भी किसी भी फसल के अगर क्वालिटी सीड, चाहे ब्रीडर मिल जाए या फाउंडेशन मिल जाए उस एरिया का, उसे जरूर लें आप और उसका लाभ लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का। बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मौसम ने भी साथ दे दिया, और कहना चाहिए कि प्रकृति भी हमारी इस फसल संगोष्ठी में शामिल हो गई, और हमें आशीर्वचन मिले, और सही उद्देश्य हो तो लक्ष्य ज़रूर पूरा होता है, और अगर सत्संकल्प हमारे हों तो वो तो पूर्ण होते ही होते हैं। और बिल्कुल अगर सरकार की जो योजनाएं हैं, कृषि मंत्रालय है, कृषि विभाग है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, और हमारे सफल किसान हैं जो साथ में चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बने, रोजगार बने, और इस तरह से हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़े और एक अच्छे व्यवसाय के रूप में कृषि को अपनाएं, यही हमारी फसल संगोष्ठी का उद्देश्य रहा। तो कहना चाहिए कि मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, मिलना और बिछड़ना दुनिया की रीत है, इस रीत को खुशी से निभाते हैं, इस रीत को खुशी से निभाते हैं। पता नहीं कब किसके दिल मिल जाएं, पता नहीं कब किसके दिल मिल जाएं, जो भी मिले राहों में उससे दोस्त बनाते हैं, और ये हमारे संबंध और आपसी संबंध हमारे हमेशा बनते रहें। और कहते हैं कि जैसी चले बयार तो पीठ पुनी वैसी कीजिए, तो जैसा माहौल चल रहा है ना वैसे ही बन जाएं, परंपरागत से हम आधुनिक हो जाएं, आधुनिक से हम अत्याधुनिक हो जाएं, परंपरागत से हम और आगे निकल जाएँ, वैदिक के साथ साथ हम आधुनिक और आधुनिक के साथ हम और वैज्ञानिक होते चले जाएँ। ये हमारी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, आकांक्षाएं हैं, और साथ ही इस फसल संगोष्ठी का यही एक सफल उद्देश्य था, आकाशवाणी का, दूरदर्शन का, और दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल आज आपके साथ यहाँ पर रहा। हमारे जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ये शानदार फसल संगोष्ठी का आयोजन हुआ, आप सब इसके सहभागी रहे। इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं ससम्मान हम मंच पर बुलाना चाहती हूँ हमारे माननीय श्री जयंत श्रीवास्तव जी को कि वे कृपया कर मंच पर आएँ, हमारे कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल से। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। मैं विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करने और कार्यक्रम का समापन करने से पूर्व प्रोफेसर PK मिश्रा, ऑनरेबल वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, श्री JS मिश्रा, डायरेक्टर ICAR, डायरेक्टर ऑफ वीट रिसर्च जबलपुर, डॉक्टर DP शर्मा, डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर PK गुप्ता, डॉक्टर BS द्विवेदी, डॉक्टर DK सिंह, डॉक्टर अनिल शिंदे, डॉक्टर नितिन सिंघई। आप सभी का मैं दूरदर्शन भोपाल की ओर से हृदय से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने आज के दिन इस फसल संगोष्ठी को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय दिया और अमूल्य योगदान दिया। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी मेरे कृषक भाई बहन बैठे हैं उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकालकर यहाँ पर सम्मिलित हुए और प्रतिभागी बने। इसके अलावा हमारे दूरदर्शन भोपाल की पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ आज के इस फसल संगोष्ठी का विधिवत समापन की घोषणा करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।